हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश प्रोजेक्ट। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस BHUMS से जियो प्रोजेक्ट सॉल्यूशन ऑफ ईयर 2017। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अराउंड 30 प्रॉब्लम 61 to 90। सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ ऑफ द प्लेनेटली मोशन द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास 12 का प्रॉब्लम है कि आपने वहाँ पे कैपलर लॉ पढ़ा होगा। तो ये कैपलर का सेकेंड लॉ है। ये क्या कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, चलिए ये आपका सन है, ओके। मान लीजिए कोई प्लैनेट है, देखिए सन के जो पास प्लेनेट होता है उस पार्ट को बोलते हैं पेरिहेलियन, राइट, और सन से जो दूर होता है उस पार्ट को बोलते हैं एपिहेलियन। ये भी याद रख के रहिएगा, ठीक है। तो जो भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ तो उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें कि आज हो सकता है ये प्रॉब्लम आया, हो सकता है 2020 में कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए डेल्टा टी टाइम में ये प्लेनेट पेरिहेलियन के पास वाला ए टू बी में स्विफ्ट करने में डेल्टा टी टाइम लेता है, ठीक है, तो ये एरिया इतना स्विफ्ट करेगा। सिमिलरली इस टाइम में अगर ये एपिहेलियन हो, दूर हो प्लैनेट सन से, तो ये इतना एरिया इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये वाला एरिया ए बी वाला एरिया बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट होते हैं वो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल स्विफ्ट करते हैं। ये ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। सो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए पहला ऑप्शन क्या क्या है, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, डी को लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन ई, ठीक है, तो ये फिर से हो जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन, जो कि गॉस लॉ है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करेंट वाला कंसेप्ट है इसमें, ओके। और डेल क्रॉस ई क्या होता है, ये वाला जो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी बाई डेल टी, ओके। और ये देखिए बी डॉट डी एल एक्चुअली होता है जी जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे दिया है म्यू नॉट आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, तो इसको टिक कर लें ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस ए इज गिवन बाय। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सपोज कर लिए तीन वैक्टर हैं ए बी एंड सी, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, सपोज कर लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, इसको वन समझिए, इसको टू समझिए, इसको थ्री समझिए, ठीक है। तो वन टू थ्री का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रूल क्या कहता है, इस तरीके से आता है 1 3 1 - 1 2 3। 1 3 1 1 क्या है, ए है, ठीक है, 3 1 3 क्या है, बी है, सॉरी सी है, तो ए ए सी डॉट ए सी डॉट बी, राइट, इसको ऐसे लिख लीजिए ए डॉट सी डॉट बी, 1 3 1 हो गया, माइनस 1 2 3, 1 2 3 में क्या है, 1 और 2 ए बी है, ये हो जाएगा ए बी डॉट सी, ओके, ये रूल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 डेल हैं, 1 और 2 डेल हैं, और सी क्या है, ए है, यहाँ पे लगा दीजिए 1 3 1, मतलब डेल डॉट ए डेल, ठीक है, और माइनस 1 2 3 माइनस क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है वी हैव टू स्पेयर ऑफ मास एम, मास वन ऑफ विच इज स्पेरिकल सेल एंड अदर इज सॉलिड, दे हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर, द रेशियो ऑफ देयर रेडाई इज गिवन बाय। देखिए स्पेरिकल सेल वाले के लिए सपोज कर लीजिए आपके यहाँ पे जो स्पेरिकल सेल है उसकी रेडियस आप R1 मान लीजिए, और जो सॉलिड है उसकी रेडियस आप R2 मान लीजिए। गिवन क्या दिया है यहाँ पे कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया हुआ है, ठीक है, मतलब I1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, I2 दिया हुआ है, एक सेल का हो गया आपका, सेल का, और ये हो गया आपका सॉलिड का, ठीक है। स्पेरिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है आपको पता होना चाहिए, होता है 2/3, मास सेम है आपका, तो एम आर वन स्क्वायर, इसका होता है 2/5 एम आर टू स्क्वायर, ठीक है, दोनों इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वल दिए हुए हैं कंडीशन में, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज डेट R1 बाई R2 इज इक्वल टू √3/√5, तो ये जो रेशियो हो जाएगा R1:R2 हो जाएगा √3:√5, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है ए, तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड सो डेट इट्स रेडियस बिकम हाफ विदाउट एनी चेंज इट्स मास। मास यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ठीक है, लेकिन रेडियस क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। तो सपोज कर लीजिए अगर हम रेडियस R1 R2 ले लेते हैं, इनिशियली R1 है, बाद में R2 हो जाती है, तो गिवन क्या है, R2 की जो वैल्यू है वो R1/2 हो जाती है, ओके। अब क्या कह रहा है, डे इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स, T1 कितना दिया है, 24 आवर्स दिया हुआ है,
और T2 आपसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये पूछा गया है, ओके। और M1 M2 क्या है, आपका M दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दीजिए, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ओके। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2π/T होती है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब एक जानते रहिए कि जो I होगा यहाँ पे वो होगा आपका 2π/5mR², ठीक है। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, 2π/5mR² इंटू 2π/T1 इज इक्वल टू 2π/5mR² इंटू 2π/T, राइट। यहाँ पे क्या से क्या कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, देखते रहिए, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये क्या आएगा आपका, यहाँ से लेके R1² / T1 इज इक्वल टू R2² / T2, ये आपका आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1² सो दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू T1, R2 की वैल्यू है R1/2/R1² तो वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 का 4, ये कितना आ जाएगा, 6 आवर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन 6 आवर, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर मोमेंटम एल, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी बोथ आर वैल्यूड देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपली एंगुलर मोमेंटम हमें पता है एल की वैल्यू क्या होती है, I(ω) होती है, राइट। कोई क्वेश्चन वन मान लीजिए, के की वैल्यू क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I(ω² होती है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालने, तो I की वैल्यू आ जाएगी 2K/ω², इसको इक्वेशन 2 मान लें, ओके। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, 2 से I की वैल्यू 1 में पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, L जो हो जाएगा आपका यहाँ से 2K, I की वैल्यू हो जाएगी 2K/ω² इंटू ओमेगा, ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2K/ω² × ω, मतलब 2K/ω, ओके। ये हो गया, सब कुछ के लिए एल डैश हो गया, ओके। एल डैश बाई एल क्या हो जाएगा आपका, L-L इज इक्वल टू K-K याद रख रही इंटू ω/ω, ये हो जाएगा, ओके। K-K आपको रखना है कितना हो जाएगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, मतलब 1/4। सो दिस इम्प्लाइज दैट एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/4, जो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। देखिए जो भी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, इसमें मैंने केवल 5 मिनट्स का एक वीडियो बनाया है, हाउ टू राइट मैक्सवेल इक्वेशन विद इन 5 सेकंड, और जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा होगा वो वाला मेरा, जो अगर कोई स्टूडेंट अभी नए हैं जो पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा रहेगा वो 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। मैंने बताया था 4 वर्ड आप याद रखे रहेगा, SPRTIF, SPD, इसी पे खेल चलता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखे रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, चाहे क्लॉक वाइज लें चाहे एंटी क्लॉक वाइज लें, SPRTIF आपको आना ही आना है, ओके। तो देखिए शुरू करते हैं, SPTIF आना चाहिए, तो यहाँ से देखिए एंटी क्लॉक चला, SPTIF आ जा रहा है, रॉन्ग। चलिए इसको चलते हैं सेकंड वाले को, SPTIF ये आ रहा है, यह सही हो सकता है अभी के लिए। फिर चलते हैं SPTIF या STPIF, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सही चलते हैं SP, यहाँ पे T आना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो लकली क्या है, केवल एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो वीडियो आप देख लें, कब प्लस लगता है कब माइनस लगता है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द इन्वर्जन ऑफ ए गैस, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। तो याद रखे रहिए कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का, वो होता है 2A/RV, ओके। इन्वर्जन टेम्परेचर कितना होता है, 2A/RV, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, इस बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, A/RV हो सकता है, इस बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इन दोनों का रेशियो पूछता है, इन्वर्जन अपॉन बॉयल टेम्परेचर का, तो ये कितना हो जाएगा, 2A/RV/A/RV, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना था, 2, और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि TI = 2 times of boil temperature। देखिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे क्या होगा कि आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन का पता चलता रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर आर सुपर इम्पोज इफ बोथ हैव द सेम फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेज देन द रिजल्टेंट मोशन इज। यहाँ पे ध्यान देना, आपको फ्रिक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फेज सेम है, और रिजल्टेंट हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लिख रहे हैं X = A sin ωt + Y, राइट, और Y = लिख लीजिए आप, एम्पलीट्यूड सेम है तो एम्पलीट्यूड भी हम सेम रखेंगे और सारी चीज़ों को हम सेम रखेंगे, ठीक। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, अब क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, X² + Y²
आपका ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगर हम टेन फाई की वैल्यू निकालें, टेन फाई क्या देगा, वाई बाई एक्स देगा। लकली क्या है, यहाँ पे एक्स इजकल टू वाई है, इवन है, तो वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। मतलब फाई इजकल टू क्या आ जाएगा, टेन यूनिवर्स वन, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्किल रॉन्ग इलेक्स रॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगी जो इंक्लाइंड होगी 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स रेजोनेट विद अनदर ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड इफ द लेंथ ऑन द रेशियो। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लास 12 का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में एक में क्या होता है, केवल ऑड आती है मतलब, और एक में क्या होता है, इवन ऑड दोनों चलता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आप होगा ऑप्शन डी 2:1 का रेशियो होगा। तो इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इन स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम आर एक्स वन एंड एक्स टू विद वेलोसिटी यू वन एंड यू टू रिस्पेक्टिवली, द टाइम पीरियड टी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विल बी। तो देखिए वेलोसिटी का इक्वेशन हमें जनरल इक्वेशन पता है, एस एच एम में पी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू वन दिए, तो यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ओके, अब क्या करिए, आप दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए, यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू को क्या होती है, 2π/T होती है। ठीक है, इज इक्वल टू सेम थिंग, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/ दिस टर्म, जो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2π, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन यू वन स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसको आप ध्यान देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन कंप्लीट रोटेशनल ऑफ निकोल प्रिज नो वाइब्रेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, इज ऑब्जर्व द इंसिडेंट लाइट। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दिया हुआ है, प्लेन पोल लाइट, इलेप्टिकली पोल लाइट, मिक्सचर ऑफ अनपोल लाइट एंड प्लेन पोल लाइट एंड सर्कुलर पोल लाइट। देखिए निकोल प्रिज में अगर आपको कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलती वाइब्रेशन की ट्रांसमिटेड लाइट में, तो जो इंसिडेंट लाइट होती है वो होती है आपकी सर्कुलरली पोल लाइट। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर ए ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5 इमर्ज इन ए वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 इज। तो आपको पता है कि ब्रूस्टर एंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू टेन सॉरी थीटा पी इजिकल टू टेन इनवर्स n1/n। ठीक है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n1 की वैल्यू दी है 1.5 और n2 की वैल्यू दी है 4/3। 1.5 को सिंपली 3/2 भी लिख सकते हैं, तो थीटा पी कितना हो जाएगा, टेन यूनिवर्स 3/2 अपॉन 4/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये आ जाएगा टेन यूनिवर्स 1.125। ठीक है, जिसकी वैल्यू आती है 48.4 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको 48.4 डिग्री हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। When a narrow pin is placed in front of a sodium light source, the fringes observed on the screen due to the phenomena. देखिए वो भी narrow pin रख दिया जाए किसी भी sodium light के source के आगे, तो जो भी हमें fringes मिलती है वो due to both phenomena होता है, interference और diffraction, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है बी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। देखिए मैं 10 बार समझाया हूँ, जो टॉप 50 प्रॉब्लम का सेट है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख पा रहे हो कि डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि किसी वीडियो में कि आपको फार्मूला जरूर याद रखे रहें। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है किसी भी टेलीस्कोप का, रिजॉल्विंग पावर को हम याद करें तो ये क्या होता है, d/1.2 λ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री चार्जेस 2q-q and -q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें ऑप्शन दिए कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर क्या होगा, पहले हम बना लेते हैं। देखिए
इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे रख दीजिए 2q, यहाँ पे रख दीजिए माइनस क्यू, यहाँ पे रख दीजिए माइनस क्यू, ओके। अब हमें देखना है कि फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ आप याद रखे रहिए, इसका जो सेंटर है यहाँ पे हमें निकालना है, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ओके। डायरेक्शन अगर हम देख लें तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2q की वजह से, ओके, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, ओके। तो इन केस आप इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेते हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का। तो पहला केस हो गया फील्ड जो होगी आपकी, पहला ही केस हो गया नॉन जीरो, ठीक है, बिना लगाया आपको पहला केस होगा फील्ड इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे ऑप्शन को ऑमिट करते हैं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, फील्ड जीरो दिया है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, पहले कट कर लीजिए। फील्ड का बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल के तो हम बाद में देख लेंगे, फील्ड तो जीरो नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। अब आपको डी और बी में से चूज करना है। तो एग्जाम में भी आप क्या करेंगे, इसी तरह की चीज़ों को आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शन को ऑमिट कर सकते हैं और दो ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए इन हमें क्या करना पड़ेगा अभी कि पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, ओके। तो हमें ये नहीं पता है कि पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं, अगर हमें ये भी पता रहता कि पोटेंशियल जीरो होगा तो हम इसको टिक कर देते हैं, अगर हमें ये पता रहता पोटेंशियल नॉन जीरो होगा तो हम इसको टिक कर देते हैं। तो अब इसलिए हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है k³/r, तो भी 2q चार्ज की वजह से निकाल लें, ये हो जाएगा k² 2q/r, r सेम है। सिमिलरली भी माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे तो ये आ जाएगा k - q/r। देखिए पोटेंशियल हमेशा साइन को हम लेते हैं तो ये हो जाएगा, और सिमिलरली बी माइनस क्यू का भी यही हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा आपका वी 2q की वजह से, वी माइनस क्यू की वजह से, और ये बी माइनस क्यू की वजह से, ये रख दीजिए तो ये हो जाएगा k² 2q/r, ओके, प्लस k - q/r प्लस k - q/r, ओके। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल आप देख रहे हैं जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका, द फील्ड इज नॉन जीरो बट द पोटेंशियल इज जीरो विल बी द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लें, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रिप्रेजेंट द ऑप्शंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। अभी मैंने प्रीवियसली जब यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन को मैं अभी इसी सेट में जब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जब मैं बता रहा था, मैंने बताया था कि डेल डॉट बी इक्वल टू का जीरो का क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स या जियो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है, तो बी इसको आप जरूर याद रखे रहें कि इन द ऑप्शन ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल डेट मीन्स डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ओके। आगे बढ़िए, ए वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैज एन टर्न्स मीटर एंड अ करंट आई एम्पीयर इन द फॉलोइंग थ्रू इट द मैग्नेटिक एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूँ, ये देखिए सोलेनॉइड की अगर मैं हम बात करें, ओके, चलिए ये आपका सोलेनॉइड हो गया, ओके, ये एंड पे पूछा है तो हमेशा याद रखे रहिए कि सेंटर पे सोलेनॉइड के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो आता है म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। और अगर एंड की हम बात करें, एंड की अगर हम बात करें तो एंड पे क्या हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है सेंटर का। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू। हो सकता है 2020 में सेंटर पूछते तो सेंटर पे याद रखे रहिए, एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा आपका, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई होगा, तो उस समय ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, अभी के लिए म्यू नॉट एन बाई टू है क्योंकि ये पे क्या पूछा है, कॉर्नर पे पूछा है, एंड पे पूछा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द रेजिस्टेंट 100 ओम चार्जेज बाई 500 वेबर इन 10 सेकेंड, ओके, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज डेट फ्लो इन द सर्किट। देखिए इंड्यूस चार्ज मतलब क्यू इंड्यूस कैसे निकालते हैं, क्यू इंड्यूस निकालने का फॉर्मूला है डेल फाई बाई आर, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये कितना दिया हुआ है, 500 वेबर दिया हुआ है, आर कितना है आपका 100 है, ये कितना हो जाएगा 5, टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 5 कूलम्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी मैं डेट मीन्स पॉइंटिंग वेक्टर ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एमएससी फिजिक्स में भी सॉल्व कराया हुआ है और मेरे टॉप 50 प्रॉब्लम के जो भी वीडियोज़ हैं, अभी मैंने केवल 3 वीडियोज डाले हैं, उससे आप देखिए कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं या जो भी प्रीवियस स्टूडेंट हैं, पहले के स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टॉप 50 प्रॉब्लम सेट वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा पेपर देने, उससे मिनिमम 10-15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर को मैंने बताया था कि एस जो होता है वो क्या होता है, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, ओके। बी को लिख सकते हैं आप म्यू नॉट एस, तो इसकी वैल्यू हो जाती है ई क्रॉस एस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या इस ईयर में आपको दे दे ई क्रॉस एस, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू आप रख दीजिएगा म्यू नॉट एस, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई क्रॉस एच मिल जाएगा, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड पी साइड इज अर्थेड एंड एन साइड इज अप्लाइड -2 वोल्ट द डायोड सेल। अब ऑप्शन दिया नॉट कंडक्ट, ब्रेक डाउन, कंडक्ट पार्सली एंड ऑप्शन डी जो दिया है कंडक्ट। देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा,
ये आपका डायोड हो गया, ओके ये आपका डायोड हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल मैंने दे दिया। पी साइड को क्या किया, अर्थेंट किया, तो ये पी होता है, आपको यह पता होगा ये एन होता है, इसको मैंने अर्थेंट कर दिया हुआ है, ओके। तो और ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, और यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने माइनस टू वोल्ट का पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जो डायोड, ये जो डायोड है, ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, याद रख रही है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डायोड क्या होने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट गेन, ये ए नहीं है, ये अल्फा है, ये याद रख रहे हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब ट्रांजिस्टर इज 0.9, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट वुड बी द चेंज इन द कलेक्टर करंट व्हेन द बेस करंट चेंजेस बाय 4 mA। बेस चेंज कितना करंट है, 4 mA है। तो आपको पता है कि बीटा की वैल्यू जो होती है वो अल्फा अपन 1 - अल्फा होती है। एक चीज़ याद रखें इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, कभी कभी अल्फा बीटा में रिलेशन दे देता है, तो अगर आपको इस तरीके से नहीं याद है तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, 1 - अल्फा 1 + बीटा इक्वल टू 1 निकाल लीजिए। यहाँ से आप ये बस ये चीज़ याद रखे रहिए, आप ईजिली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम अल्फा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + बीटा मल्टीप्लाई कीजिए -अल्फा - अल्फा बीटा इक्वल टू 1, तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा इक्वल टू उसको उधर भेज दिए तो अल्फा 1 + बीटा हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा अपन 1 + बीटा। सिमिलरली अल्फा निकालेंगे, सिमिलरली बीटा का इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आती है बीटा इक्वल टू अल्फा अपन 1 - अल्फा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ रही है बीटा अपन 1 + बीटा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे दूसरी चीज़ पूछी हुई है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, बीटा की वैल्यू होती है डेल आई सी बाई डेल आई बी एट कॉन्स्टेंट बी सी ई होती है। तो यहाँ से डेल्टा आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बीटा इंटू डेल्टा आई बी जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बीटा दिया हुआ था, तो बीटा की वैल्यू रख दीजिए आप 9, डेल्टा आई बी की वैल्यू है 4, ये कितना हो जाएगा 36 mA हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 83, द पिक साइनसोइडल वोल्टेज टू द इनपुट ऑफ ए हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट, द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। देखिए मैं इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद, लेकिन वहाँ पे क्या दिया था, हाफ की जगह फुल वेव डायोड रेक्टिफायर दिया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो अगर बी डी सी की वैल्यू होती है फॉर फुल वेव के लिए, याद रखे रहिएगा, फॉर फुल वेव के लिए बी डी सी की वैल्यू जो आई थी वो क्या आती है, बी डी सी की वैल्यू अगर आप याद रखे रहेंगे तो आती है 2V peak voltage upon pi। तो वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, लेकिन यह देखिए हाफ वेव के लिए क्या हो जाएगी, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसके लिए वी डी सी की वैल्यू हो जाएगी सिंपली VV/π। तो यहाँ पे पिक वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो आंसर आ जाएगा 10/π वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रख रही है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर रहता तो यहाँ पे आपका 20/π वोल्ट आता। तो इस तरह की चीज़ों को आप याद रख रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाती है और इस तरह की चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। 84, द डिप्लेशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड कंटेन, देखिए डिप्लेशन लेयर की अगर हम बात करें किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, याद रख रही है, केवल आयन रहते हैं, केवल आयन की बात अगर हम करेंगे तो केवल यहाँ पे क्या रहते हैं, आयन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है डिप्लेशन लेयर में, कि न तो इलेक्ट्रॉन होंगे न तो होल होंगे, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और याद रखे रही है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे क्या होता है, नो मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, नो मोबाइल चार्ज कैरियर, ये भी याद रखे रहिए आप। अगर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं रहता है तो उससे क्या होता है, ये क्या होता है, एक्ट्स लाइक ए बैरियर, ये क्या होता है, एक्ट्स लाइक ए बैरियर, ये बैरियर की तरह बिहेव करता है, जो कि क्या करता है, अपोज करता है किसी भी चार्ज कैरियर को फ्लो करने के लिए, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीदर इलेक्ट्रॉन नॉट होल विल द राइट ऑप्शन, उसको आप टिक कर लीजिए और आगे बढ़िए। ए ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रिक्वेंसी 260 Hz, ओके, विथ ए सोनोमीटर वायर एंड 5 beats आर हियर्ड, इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज द बीट फ्रिक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी विल बी, ठीक है। सपोज कर लीजिए न्यू टू जो है, न्यू वन और न्यू टू फ्रिक्वेंसी था, तो न्यू टू जो है आपका फ्रिक्वेंसी है वो, तो अगर 5 bit फ्रिक्वेंसी होगी तो या तो ये आप 265 हो सकती है या 255 हो सकती है, जो न्यू टू फ्रिक्वेंसी होगी ये फाइनल फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, फॉर 5 bit per second, ओके। एक चीज़ आप जानते रहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम टेंशन को इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेंशन बढ़ाते हैं, याद रख रही है, टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो ये पे क्या कर रहा है कि न्यू टू भी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ये दिमाग में रख रहिएगा, क्योंकि बीट फ्रिक्वेंसी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऑब्वियसली जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी होगी 260 Hz से ज़्यादा होगी, तो राइट ऑप्शन होगा आपका 265 Hz, इसको टिक कर लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ए ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय ए इक्वल टू -b × x। यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन की जो वैल्यू दी हुई है ए इक्वल टू -bx दी हुई है, ये याद रखे रहेंगे, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है आपका पार्टिकल का किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, बी क्या है आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है, द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और आपको पता है कि SHF में क्या होता है, ए की वैल्यू -ω² x होती है,
तो फ्रॉम वन एंड टू से अगर आपको देखेंगे तो माइनस बी एक्स इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगी, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपका अंडर रूट बी। पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है, तो टी की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू होती है टू पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लगते हैं तो टी की वैल्यू हो जाएगी टू पाई बाई अंडर रूट बी, जो कि आपको ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी वैल्यू द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। द वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.02 मीटर इज रिस्पेक्टिवली एंड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी सुपरइंपोज टू प्रोड्यूस 2 बीट पर सेकंड। देखिए दो वेवलेंथ दी हुई है, इसको सपोज कर लीजिए लैम्डा 1, इसको सपोज कर लीजिए लैम्डा 2, बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा दी हुई है, 2 बीट पर सेकंड दी हुई है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है डेल्टा की वैल्यू होती है बी बाई लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी बी बाई लैम्डा 1, डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी बाई लैम्डा 2। तो बीट कितना आएगा, बीट क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इजकल टू बी बाई लैम्डा 1 माइनस बी बाई लैम्डा 2 आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 की वैल्यू दी हुई है 2, बी कॉमन ले लीजिए और लैम्डा 1 की वैल्यू 2 रख दीजिए और लैम्डा 2 की वैल्यू 2.02 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बी की वैल्यू जो आएगी, सब आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखिएगा, तो बी की वैल्यू जो आएगी ये आएगी अराउंड 404, करके देखिए मेरा तो यही आया है 404 मीटर पर सेकंड। एक चीज़ और अब याद रखे रहिए, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, मैं प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करता हूँ, तो मे भी कुछ आंसर मिस्टेक हो सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में, अगर आपको आंसर मिस्टेक लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो आज की मैं वीडियो में फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको टॉप 30 प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, यहाँ पर्सनली YouTube चैनल पर कमेंट करें या मेरे WhatsApp ग्रुप चैनल या Telegram चैनल पर आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकूं और करेक्ट आंसर दे सकूं। 88 कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एश। देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है, याद रख लीजिएगा, आई इजकल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कॉस का टर्म आता है तो कॉस स्क्वायर बीटा आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपको अगर डैम्प्स हो रहेंगे तभी लगाइएगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और दूसरी बात, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन करना ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 100% से हो रही है कि 90% लोगों को भी नहीं आ रहा है। ओके, तो कट ऑफ के बिना टेंशन लिए हुए जितना क्वेश्चन है आप उतना ही करेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे आप कोई भी क्वेश्चन। 89 कह रहा है इफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंटेड द रिलेटिव परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मीडियम देन इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। देखिए सी की वैल्यू मैंने बताया था कि 1 अपन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर या म्यू नॉट एप्सिलॉन आर होती है, मैंने ये बताया था, अगर किसी मीडियम होगी तो म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और एन जो होता है 1 बाई सी होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टू वेव्स ऑफ द इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:1, टू वेव्स की इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 9:1 दी हुई है। ये फॉर्म करें फ्रिंजेस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस पूछा गया है, तो आपको पता है एक फार्मूला होता है आई मैक्स अपॉन आई मीन, ठीक है। ये देखिए I1:I2 दिया हुआ है, ये याद रख रहिएगा, मतलब I1/I2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 9/1, ठीक है। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन की जो वैल्यू होती है आपको याद होगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप एक काम करिए, अंडर रूट I2 के यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 बाई अंडर रूट I1 बाई I2 प्लस 1, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, ये भी हो जाएगा I1 बाई I2 माइनस 1, और अंडर रूट I2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, याद रखे रहिए, इसकी वैल्यू 9/1 दी है, तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका दे जाएगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 माइनस 1 2, 4/2 मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/1, मतलब आई मैक्स और आई मीन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप इसको टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे, और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो PHU एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना हुआ है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल और केवल BHU एस्पायरेंट्स ही ऐड होंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐड ना हो, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये एग्ज़ाम के बाद मे भी डिलीट हो जाए। ये एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं दो चीज़ें फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, एक होगा IIT JEE के स्टूडेंट के लिए और दूसरा होगा CSIR एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप करते रहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।